Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is KP Sharma. My qualification is Diploma in Medical Laboratory Technology. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जैसा आपने टाइटल देखा, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे YouTube चैनल के ऊपर रिलेटेड टू वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, DMLT, BMLT, BSc, MLT, और दोस्तों जो भी MLT स्टूडेंट है और जो लैब टेक्नीशियन है, या अगर आप टेस्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो जानने के, तो दोस्तों कंप्लीट वीडियोस इस YouTube चैनल के ऊपर अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ में आपको बेल आइकन और उसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको कुछ नॉलेज की जरूरत होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल से, मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम का, साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका जो भी, अगर आप एक खुद का पैथोलॉजी लैब ओपन करना चाहते हो तो दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT आपका होना चाहिए, ठीक है गाइस। आपकी DMLT कंप्लीट होने के साथ ही साथ में दोस्तों आप एक सिंपल कलेक्शन लेवल की टाइप की एक लैब ओपन कर सकते हो, और अगर दोस्तों इससे भी एडवांस आपको माइक्रोस्कोपिक और उससे एडवांस अगर आपको लैब ओपन करनी है तो उसके लिए दोस्तों आपको एक पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है गाइस। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होता है, अगर आपको ओपन करने के लिए दोस्तों आपको खुद का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और हर एक चीज़ आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल से। सबसे फर्स्ट चीज़ दोस्तों आपको हर एक मशीन का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो CBC मशीन हो या बायोकेमिस्ट्री मशीन हो। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों एक स्टार्टिंग जो लैब होती है उसके अंदर ये दोनों मशीनें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, CBC मशीन और साथ ही साथ में बायोकेमिस्ट्री मशीन और बायोकेमिस्ट्री मशीन का आपको फुली नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप से इसको ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपको जो भी टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर आपको किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हमने बना रखे हैं कि किस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, और काफ़ी सारी मार्केट के अंदर अलग अलग मशीन्स आती हैं, वो उनका थोड़ा सा जो चलाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और बायोकेमिस्ट्री का अलग अलग होता है, चाहे वो अरबा की लो या किसी भी मेरिल की हो या जो भी आपके पास बायोकेमिस्ट्री मशीन होती है, सबके अपने अपने रीएजेंट होते हैं और उनके अलग अलग जो भी सैंपल्स लोड किए जाते हैं कि किस टाइप से कितना सैंपल लेना है, अलग अलग टेस्ट के ऊपर और अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको जो भी वायल्स होती हैं उनका नॉलेज होना चाहिए कि किस वायल के अंदर कौन सा टेस्ट जाता है और किस प्लेन वायल कब काम आती है, और कौन सा टेस्ट किस से लगता है, कौन सा टेस्ट ब्लड से, होल ब्लड से लगता है, कौन सा सीरम से लगता है या कौन सा प्लाज्मा से लगता है। दोस्तों हर एक आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, और जब भी दोस्तों आप जब भी लैब खोलते हो तो आपको एक मैनेजमेंट पूरा सिस्टम आपको बनाना होता है, चाहे वो कंप्यूटर से लगा के हर एक चीज़ प्रिंटर तक हो दोस्तों, किस टाइप से रिपोर्ट देनी होती है, कैसे सॉफ्टवेयर के अंदर दोस्तों हर एक चीज़ आपकी आती है, और उससे दोस्तों एडवांस लेवल पे हर एक चीज़ रिकॉर्ड रहता है, कहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी होती है, कौन सी रीडिंग डालनी होती है, हर एक चीज़ दोस्तों आपको आसानी से उसको मैनेज करना होता है। तो दोस्तों इसके लिए भी काफ़ी सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, लैब कैसे रन करते हैं उसके लिए भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, और कैसे रिपोर्ट फॉर्मेट होता है वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको रिपोर्टिंग पेपर चाहिए होता है, और काफ़ी चीज़ों का नॉलेज आपको लैब के अंदर चाहिए होता है। दोस्तों किसी भी और फील्ड के अंदर इतना नॉलेज नहीं चाहिए होता है जितना लैब के अंदर चाहिए होता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी होती है, अपन चाहकर भी एक साथ सभी टेस्ट नहीं लगा सकते हैं, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ में छोटी से छोटे टेस्ट का नॉलेज होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ आता है, और जो भी बड़े टेस्ट होते हैं उसको कहाँ भेजना होता है, और हर एक चीज़ आपको आपके आसपास आपका माहौल उस टाइप से होना चाहिए, आपका कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, हर एक लैब वाले से आपका व्यवहार होना चाहिए, तो ही दोस्तों आप एक अच्छी लैब ओपन कर सकते हो और आप रन कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं स्टार्टिंग की फेज़ की, आपको CBC मशीन, अगर आपका खुद का सेल्फ पेशेंट ज़्यादा है, सबसे पहले दोस्तों लैब आपको खोलने का डिसीज़न उसी समय लेना है
जब तक आपके सेल्फ के पैशन क्रिएट ना हो जाए। सेल्फ का पैशन बोले तो मतलब आपके खुद के पर्सनली 10 पैशन दिन के होने चाहिए, तो ही आप किसी भी लैब को खोलने का डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके इससे कम है या आप किसी के भरोसे दोस्तों लैब नहीं खोल सकते हो कि यार मैं चला दूंगा वो, बिल्कुल मार्केट आपको एनालिसिस करना होता है, कितने पेशेंट होते हैं, कितनी ओपीडी होती है, कितने पेशेंट की जांचें होती है, हर एक चीज़ आपको, लोकेशन काफ़ी मैटर करती है लैब के अंदर। ये नहीं हो कि वहाँ पे बिल्कुल भी लोकेशन ना हो और आप CBC मशीन भी लगा दो, बायोकेमिस्ट्री मशीन भी लगा दो और सब टेस्ट वहाँ पे, थायराइड मशीन भी लगा दो और सब टेस्ट आप रन करने लग जाओ, तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो कॉस्ट होगी वो बिल्कुल भी एक रेंज तक नहीं पहुंच पाएगी और आपको वो उल्टा लॉस दे देगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको सावधानी से जब भी आप लैब खोलने की सोचते हो तो दोस्तों आपको हर एक चीज़ का पूरा एनालिसिस करके ही उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है कि आप जो भी लैब का डिसीजन लेते हो तो आपको पूरा एनालिसिस करना है और कंफर्म करना है, हर एक चीज़ आपको एनालिसिस करना है, फील्ड को एनालिसिस करना है और आपके खुद के कितने पेशेंट होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सेल्फ पेशेंट होता है उससे लैब काफ़ी बढ़िया चलती है, ना कि एक डॉक्टर से भेजा गया। दोस्तों सेल्फ पेशेंट से आप काफ़ी बढ़िया लैब चला सकते हो, अगर आपके सेल्फ पेशेंट है तो काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों। और साथ ही साथ में दोस्तों कलेक्शन भी बेटर रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हम DMLT की बात क्या करें, तो आप खुद का कलेक्शन जो CC होती है किसी भी बड़ी लैब की CC ले सकते हो और आप सेल्फ के पेशेंट क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों आपको अगर इस फील्ड के अंदर काफ़ी समय हो चुका है तो आप बिल्कुल लैब ओपन कर सकते हो, और दोस्तों अगर आप जल्दबाजी के अंदर इस डिसीजन को लेते हो तो बिल्कुल गलत रहता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप लैब खोलने की सोचते हो तो दोस्तों सबसे फर्स्ट चीज़ आप ये याद रखना, आपका फील्ड वर्क काफ़ी मजबूत होना चाहिए। आपको फील्ड को बिल्कुल एनालिसिस करना है, किसी के बहकावे में या किसी के अपने खुद के डिसीजन को ये मत सोच लेना है कि अचानक ले लो। दोस्तों पहले आप सोचिए, समझिए, खुद का फील्ड डिसीजन कीजिए कि यार मेरे इतने पेशेंट हो जाएंगे दिन के, कम से कम दोस्तों 5 पेशेंट तो आपके मिनिमम होने ही चाहिए, एक नॉर्मल लैब को ऑपरेट करने के लिए 5 पेशेंट चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही नहीं चलता है कब कौन कौन से खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। जब भी आप लैब खोलते हो तो चाहे वो लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किराए से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या मशीन को मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या जो भी कार्ड्स होते हैं उनके लिए अलग अलग जो भी कॉस्ट लगती है, तो दोस्तों ऐसे में आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि किस कंपनी का कार्ड आता है और कौन सा आपको कॉस्टली पड़ता है, कौन सा अच्छा रहता है। साथ ही साथ में दोस्तों हर एक चीज़ आपको बैलेंस करके चलना होता है, डॉक्टर को कितने परसेंट देना होता है, हर एक चीज़ एनालिसिस की जाती है। पर दोस्तों मैं एक ही राय दूंगा, आप किसी भी डॉक्टर के भरोसे कभी भी लैब ओपन नहीं करें। अगर डॉक्टर किसी भी कोई भी डॉक्टर हो, चाहे उसके साथ अगर बिल्कुल वो डॉक्टर एक मार्केट के अंदर कोई भी लैब नहीं है और वो डॉक्टर का अच्छा पैशन लगता है, अगर वो डॉक्टर आपको सपोर्ट करता है तो ही आप डिसीज़न लें। अदरवाइज़ अगर आप काफ़ी सारे अलग अलग लैब्स होती हैं और वहाँ पे डिसीजन लेते हैं तो वो थोड़ा रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप खोलिए, कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर जुनून है तो जुनून को बिल्कुल, पर दोस्तों अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो ऐसे में आपको डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। और लैब के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट की आपको आवश्यकता होती है, काफ़ी सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी भी मैंने अलग वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही कि दोस्तों आपको मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ होती है लैब को ऑपरेट करने के लिए, आपका मैनेजमेंट और आपकी स्किल, कैसे आप कम्युनिकेशन करते हो, कैसे पेशेंट हैंडल करते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट सैंपल कलेक्शन। दोस्तों सिंगल प्रिक के अंदर सैंपल आना चाहिए, लैब का सबसे फर्स्ट रूल यही होता है, पेशेंट का डबल प्रिक नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा टाइम लो कोई बात नहीं, सैंपल कलेक्शन के अंदर टाइम लगे तो कोई बात नहीं, पर दोस्तों सिंगल प्रिक के अंदर आना चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन योर लास्ट इम्प्रेशन। दोस्तों अगर पेशेंट अगर डबल प्रिक करना पड़ गया वहीं से दोस्तों आपकी थोड़ा पेशेंट को डाउट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं परफेक्शन नहीं है या परफेक्ट नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलना होता है और बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप इस वीडियो से आप सीखे होंगे।
और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अगर बनाना है इसी के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।